श्री मोहम्मद सदीक जी वाडे साहब का विधायक ते मेंबर पार्लीमेंट बीबी बालिया जी मेरे छोटे वीर तुहाडी इत्थों दे मौजूदा विधायक परमल जी निर्मल सिंह जी XMLA साहब अनिल कुमार काला जी प्रधान म्युनिसिपल कमेटी अमरजीत सिंह धालीवाल जी चेयरमैन मार्केट कमेटी आशुपू जी साबका प्रधान नगर कौंसल तपा संजय पूज जी मीत प्रधान साहब अशोक पूज जी प्रधान साहब ट्रक यूनियन बाबू अजय कुमार जी मनीष कुमार जी भुपिंदर सिंह सिद्धू साडे बड़े भाई साहब सतनाम सिंह ताने के जीवन सिंह सिद्धू जी ते होर स्टेज ते सारे खड़े लीडर साहबान सत्कारयोग बुजुर्गो थोड़ा पीछे मुझे बड़े उधर दिखता रहे भैनों ते भरावो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सत्कारियों उदौड़ हल्का निवासियों बहुत बड़ा उत्साह उदौड़ विच भी ते बाजार विच भी बहुत बड़ा उत्साह जिहड़ा है मिलिया। मैं स्कूल विच भी इलेक्शन लड़िया सी, कॉलेज विच भी तीन बार मैं MC बनिया, दो बार म्युनिसिपल कमेटी का प्रधान बनिया, फिर आजाद MLA भी इलेक्शन लड़ी आजाद MLA बनिया सी, दो बार उस तो बाद भी MLA बनिया, तीन बार बनिया कुछ ओपोजिशन लीडर भी रहा, मुख्यमंत्री भी बनिया। लेकिन जिन्ना प्यार अज मिले शायद मैनु इन्ना रुझान किसी चोर च नहीं मिले। सिक्योरिटी मैन वीर जी तुसी बाहर हो जाओ, नहीं यार उधर हो जाओ, सारे सिक्योरिटी वाले चले जाओ यार, ना मैनू कोई खतरा ना कुछ होंगे मैं सो मैं गल कर रहा सी कि दबे वाले हो, मैं तो सुदामा बन के आया, तुसी कृपा करो कृष्ण बन के संभाल लो मैं। मैं एक गल जरूर कहनी है कि मीह जाए बाल जाए थोड़े बिच रहांगा, थोड़े नाल खड़ा। हर बेनती करना कि तुसी बड़े भाई बन के संभालो, बुजुर्ग बन के संभालो। मैं तो थोड़े थानू कह आया कि मैं गोद ले लो और मैं थोड़े विचकार रहना। ये पूरा इलाका कला पदौड़ी पूरा मालवा विकास पक्षों बांझा रहा हो। कहता जी लोगों ए लगता भी तुम जीत के मेरे चले तो नहीं जाओगे। मैं जाना नहीं है, मैं तुम बचन दे रहा
यही बजट खड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण चले जाएंगे लेकिन ये मेरा वचन नहीं जाएगा। आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस करके कोई भुलेखा पावे ता उन्हों दस दियो कि वचन दे गया जीव कट जाएगी, वचन नहीं कटे जाएगा। और मैं मालवे का नक्शा बदलने वास्ते आया, मैं मालवे की नुहार बदलने वास्ते आया, मैं मालवे का विकास वास्ते आया। बादला ने लंबी का कर लिया, बाकी पिछे ही नहीं। कैप्टन ने पटियाले का कर लिया, बाकी ने पूछे ही नहीं। ये अपने वाला भोंदू है जेड़ा, इन्हें किसी का भी नहीं करिया, इन्हें किसी ने पूछे ही नहीं। कैप्टन की दुकान 4 बजे बंद हो जाती है, मैं 2-2, 3-3 बजे तक लोगों को मिलता है। 3 महीने मुख्यमंत्री रहा, ना सोया ना सौन दिता किसी को। अफसर मेरे नाल 3-3 शिफ्टां च काम करते सी, ना कदे शराब पीती, ना जिंदगी च कोई नशा किया। 12 बजे रात नूं पटियाले दे लोग आ गए तां 12 बजे बाहर मिलन लग गया, 3 बजे ते पहला कदे सुत्ता नहीं। लेकिन कैप्टन दी दुकान 4 बजे बंद हो जाती है। ते आ जिहड़ा अपने वाला है, 4 CM दा उम्मीदवार बनिया, इहदी 6 बजे बंद हो जाती, फर्क 2 घंटे नहीं है। पार्टी शुरू हो जाती उसके बाद फिर गल करन जोगे नहीं रहिंदे। मैं थोड़े नाल दिन रात का नाता जोड़ने वास्ते आया, हर टाइम थोड़े विचकार रहना और विकास कराना। विकास कराना आउंदा है। मैं म्यूनिसिपल कमेटी का प्रधान बनिया सी, तां जब प्रधान बनिया न्याणा जिहा ही सी मैं, अजे एक मुड़ी खैड़ पिंड पैंदा शहर दे विच, खैड़ दे विच उत्थे मैनूं बुलाया, एक साडे नदी जी जांदी सी चोई जी, मैं कहा मैं इत्थे पुल लवा दूंगा, मैं सड़क ही पक्की करा दूंगा, इहदे बन्ने ही पक्के करा दूंगा। 4-5 बजुर्ग जे बैठे सी, कहते यार न्याणा जाएगा, गल्लां बहुत कर गया। लेकिन 6 महीने बाद काम करके मैं फिर उन्हां नूं मिल गया, कहा बापू हो गया काम, कहिंदा नजारा लिया था चमकौर। उस टाइम मैं शहर विच कहा सी कि 10 साल या 5 साल बाद खरड पछाणिया नहीं जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਰੜ ਜਾਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੜ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 11-11 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ, 25 ਏਕੜ ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 10 ਏਕੜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸਾਰੀ 5 ਸਾਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, 3ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰ ਛੱਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੰਡੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ जे तुसी 5 साल दे दोगे तां 5 साल च ਭਦੌੜ हल्के का नक्शा क्या बन जाएगा उसका तुसी अंदाजा नहीं लगा सकते। सारिया का 21 करोड़ रुपया बिजली का बिल खड़ा सी, सारे माफ करते, हर गौशाला 5 लाख रुपया दिता है, 23 करोड़ रुपये दिखी है। ये काम करने वाले होंगे, ये सारे 111 दिन करे, 150 अजे फैसले ले जिद चो मैं तुम 5-10 गिनाए। सो लोगों राहत मिली है, हर घर के बीच पैसा जान लगे है, हर गरीब मिडल क्लास के लोगों की दुकानदारा की सुनी गई है। गल कुछ भी नहीं होंगी, दिवाली को दुकान पर पटाके लगते हैं,
साड़ी भी दुकान होंदी सी छोटे होंदे ने मैं भी लगाए सी पटाके लगा के मोमबत्तियां लगा के बेचियां हुण याद आ गया मैं क्या यार पुलिस वाले बड़े तंग करते जब पटाके लाउंदे आ दिवाली नूं इक ऐलान करिया है कि किसे दुकानदार नूं जाके पुलिस वाले ने तंग नहीं करना किसे हुंदे करिया छोटी छोटियां गल्लां लेकिन लोकां दे मसले है हल कीते है हुण हर पासे गल चलदी है घर घर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल मसलियां दा हल कर रहे ते कीते है इसलिए मैं तां अपने धन भाग समझदा कुदरती ओह इक दिन आया सी तुहाडी इत्थे मंडी दे विच कट होया सी उस दिन मैं कहता यार तुहाडा जोश देख के तां मैनूं जी करदा तुहाडे विच ही रह जां तो तुसीं बुलाए लिया यार तुहाडे विच ही रह जाणा लेकिन रखना तुसीं है हुण अनाउंसमेंट हो रही सी कहिंदे 6900 वोट ते जीते सी इह इहने ते एक जीरो होर ला दिओ मुख्यमंत्री वाली वोट पैनी है जी 69000 ते ना जीते फिर काहदे जीते इस करके मैं थानू 5 साल ही नहीं पूरी जिंदगी दूंगा तुसी मैनू 20 दिन दे दो अपने कांग्रेस पार्टी 20 दिन चाहिए सिर्फ थोड़े घर घर जाके मौका तुसी देना पैना तुसी मोहतबर बंदे बैठे हो पार्टी दे लीडर बैठे हो मैनू तां जिम्मेवारी लग गई सारे पंजाब च घूमना है हर कोई कहिंदा 1 घंटे साडे विच आ जाए असीं जीत जांगे लेकिन फिर भी मैं आवांगा कई चक्कर लगावांगा पर वोटां विच घाटा होना बाद दे विच ज्यादा आऊंगा इस करके वोटां तुहानू सांभणियां पैणियां केजरीवाल उहने फिरी जांदे हुण जिस तरह बातों गुंजी गुंजी डूमणी गावे आल पताल हुण ग्राफ अपना वध रहा उहनू फिकर पई जांदा कहिंदा जी 2 सीटां ते लड़ रहा कदे कहिंदा जी उधर ते हार रहा कदे कहिंदा इधर ते हार देगा मैं केजरीवाल नूं कहा यार तूं पंजाब दे जिथे मर्जी लड़ लै मेरे नाल मैं तेरे साथ पूरे खड़ मैं केजरीवाल नूं कहा मैं क्या जिस तरह अंग्रेज बाहरले देश तो आए थे उन्होंने आके हिंदुस्तान पर कब्जा करके हिंदुस्तान नूं लुटिया कुटिया लुट के ले गए उसे तरह वो चिट्टे अंग्रेज सी काले अंग्रेज आ गए दिल्ली से आके लुटने नूं फिरदे मैनू कहिंदा मैनू काला कहिंदा मैं क्या चिट्टा कहिंदे है तां अंग्रेज ये तुहाडा क्या गंडा पिया है पंजाब दे नाल क्या लगदा तुहाडा पंजाब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਕੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ 2-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੌਕਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਲੀਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੋਚੇ ਹੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋਟ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਲਾਰੂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਦ ਹਾਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਣਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਆਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਓ।